नमस्कार, आज हम सब कक्षा 9वीं क्षितिज भाग 1 से बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता को पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं राजेश जोशी जी। बच्चे काम पर जा रहे हैं शीर्षक कविता में कवि राजेश जोशी ने बच्चों से बचपन छीन लेने की पीड़ा का चित्रण किया है। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक विषमताओं, विडंबनाओं की ओर भी संकेत किया है, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे शिक्षा, खेल, मनोरंजन और जीवन की उमंग से वंचित होते जा रहे हैं। तो आइए हम सब पढ़ते हैं कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि बहुत ही ठंड का मौसम है, सुबह सुबह का वक्त है और चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। सड़कें भी कोहरे से ढकी हुई हैं, परंतु इतनी ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करना है। कोई बच्चा कारखाने में मजदूरी करता है तो कोई चाय की दुकान में काम करने के लिए मजबूर है, जबकि इन बच्चों की उम्र तो अभी खेलने कूदने की है। कवि बाल मजदूरी की समस्या पर चिंतन करते हुए कहते हैं कि हमारे समय की सबसे भयानक बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इस बात को हम जिस सरलता से कह रहे हैं, यह कवि को और भयानक लग रहा है। बहुत भयावह ये बात लग रही है कवि को, जबकि हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। कवि चाहते हैं कि सभी को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि पढ़ने लिखने की उम्र में, खेलने कूदने की उम्र में बच्चों को अपने पेट पालने के लिए यूं काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। इसे हमें समाज से एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए कि इन छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, जबकि उनकी उम्र तो अभी खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की है। आगे कवि कहते हैं कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? कवि बाल मजदूरों को सुबह की भीषण ठंड और कोहरे के बीच अपने अपने काम पर जाते देखते हैं, जिससे उनके मन में बहुत ही हताशा और निराशा भर जाता है। यह सब देख करके कवि के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। कवि को यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये छोटे छोटे बच्चे अपना मन मार करके इतनी सुबह ठंड में काम पर जाने के लिए विवश क्यों हैं। कवि सोचते हैं कि क्या उनके खेलने की सारी गेंदें खत्म हो चुकी हैं या अंतरिक्ष में चली गई हैं? क्या बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए एक भी किताब नहीं बची है? क्या सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या बाकी सारे खिलौने को कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे दबा दिया गया है? क्या उनके पढ़ने लिखने के स्कूलों और मदरसे जो हैं भूकंप में ढह गए हैं, जो कि ये बच्चे पढ़ाई लिखाई और खेलने कूदने के समय में काम पर जा रहे हैं? वो प्रश्न करते हैं कि क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं, जहां बच्चे खेलते कूदते थे, अपना मन बहलाते थे? वो कहते हैं कि इन बच्चों के पास क्या अब कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए ये सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़क से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि दुनिया में सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं यदि, तो ये बहुत ही भयानक बात है कि बच्चों के लिए खेलने कूदने की सारे खिलौने, उनकी किताबें,
उनके पढ़ने लिखने के जो जगह है, मदरसे, खेलने कूदने के जगह, बाग बगीचे, घर का आंगन सब ख़त्म हो गए हैं। ये बहुत ही भयानक बात है। लेकिन इससे भी ज़्यादा भयानक यह है कि ये सब चीज़ें दुनिया में मौजूद हैं, यानी सारी चीज़ें उपस्थित होते हुए भी बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। कभी प्रश्न करते हैं कि दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए छोटे छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, सारी चीज़ें होते हुए भी उन्हें काम पर जाने के लिए क्यों विवश होना पड़ रहा है, मजबूर होना पड़ रहा है। कभी एक तरह से सारे समाज से ये प्रश्न कर रहे हैं कि पढ़ने लिखने के दिन में, खेलने कूदने के समय में छोटे छोटे बच्चों के कंधों पर ये जिम्मेदारी क्यों है कि उन्हें मजबूर होकर के काम पर जाना पड़ रहा है। कभी सारे समाज से प्रश्न करते हैं कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्यों विवश हैं बच्चे काम पर जाने के लिए।